डॉक्टर, क्या मैं बीमार हूँ? नहीं, आप अच्छे और हेल्दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, फिर मिलते हैं, बाय। एक मिनट रुको, किटी तुमसे कुछ पूछना है। अगर केसी का एक छोटा भाई होता तो कैसा होता है? एक भाई? सीरियसली? आइडिया तो बुरा नहीं है। हाँ, और हम सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए एक छोटा भाई लेकर आए। पीछा हटो बदबूदार, ये मेरा खिलौना है। तुम ये साबित कैसे करोगे? ये क्या, यहाँ के बच्चे तो एकदम शैतान है। हमें यहाँ से चलना चाहिए, केसी पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ, एक लड़का और लड़की इतना अच्छा आइडिया नहीं है। वो क्यों लड़ रहे हैं? चलो दोस्ती कराए। बंद करो, कोई लड़ाई नहीं। स्वीटी, इधर आओ, हम लोग चलते हैं, वो लोग आपस में सुलझा लेंगे। ये लड़के, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं अनाथ हूँ। माँ पापा प्लीज उसे अपना लो, प्लीज प्लीज। अच्छा तो है वो। वेल, मुझे लगता है कि ये सब अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही होता है। कम ऑन प्लीज। ठीक है, हम इसे अडॉप्ट कर लेते हैं। शानदार लाइफ इंतजार कर रही है। तुम तैयार हो? सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे! क्या? केसी और डॉनी? देखो, ऐसा ना कि डॉनी जानता नहीं कि वो कब पैदा हुआ था। तो हमने सोचा कि वो तुम्हारे साथ ही मना लेगा। क्या आप लोग सीरियस हो? केसी, तुम्हें क्या हो गया है? केसी, डॉनी का भी हक है एंजॉय करने का। माफ करना केसी, लगता मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। डॉनी, एक मिनट, तुम बैठो। केसी बस खेल रही है। मैं नहीं खेल रही हूँ, आपने तो मेरा बर्थडे डॉनी को दे दिया। सिर्फ उसका नहीं कर रहे, देखो तुम दोनों साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो। ये मेरा दिन है, सिर्फ मेरा, समझे? सॉरी, पर मैंने नहीं कहा था। तुम्हारे कारण मेरे पेरेंट्स मुझसे कम प्यार करते हैं, मैं तुमसे नाराज हूँ। शायद हमने कुछ ज्यादा कर दिया। पर मुझे नहीं चाहिए। डॉनी, देखो ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं और किटी ये सब ठीक कर देंगे। हम कहाँ हैं? बर्थडे की गड़बड़ी के लिए सॉरी कहने आए हैं। इसलिए हम तुम्हें लाए हैं मूवी दिखाने। मैंने आपको माफ कर दिया। चलो पॉपकॉर्न ले लेते हैं। प्लीज पॉपकॉर्न चाहिए। मुझे भी। ठीक है डॉनी, पहले तुम। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट की है। कोई बात नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। अब मेरी बारी है। पॉपकॉर्न खत्म हो गए। क्या? केसी, यहाँ से देखो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। हा? मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। तुम मेरा ले लो। मैं तुम्हारा नहीं खाऊंगी, यही मेरा फैसला है। तुम हमेशा सब बर्बाद करते हो। चॉकलेट बार कैसा रहेगा? चलो मूवी देखने चलते हैं। ओए, पैसे कौन देगा? ले भाई तेरे पैसे। क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? ये लो पॉपकॉर्न ले लो। बिल्कुल नहीं। ले भी लो। ठीक है। पता है, मैं इस मूवी का पूरे साल से इंतजार कर रही थी। पर कौन सी वाली? क्रेजी घर में बारबी। ना समझ गई कि मैं तो स्पाइडरमैन आने वाली फिल्म की बात कर रहा था। तुम पागल हो, वो और नहीं बताएंगे लूजर। तुम बारबी एंजॉय करो। तुझे अंदाजा नहीं है तो किसके सामने कि तुम बारबी एंजॉय करो। तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। आप अपने बच्चे को क्यों नहीं संभालते हो? स्वीटी बस करो, वो एक एक्सीडेंट था। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ, आपने मेरी फिल्म का वादा किया था और डॉनी की फिल्म दिखाई है। बेटा, बारबी की टिकट हमें नहीं मिली, इसलिए हम इस मूवी की टिकट ले आए। मुझे यकीन नहीं होता, नहीं होता, नहीं चाहती। ये पागल है क्या? मैं इसके बारे में शिकायत करूंगी। किसी एक बिगड़ी हुई बच्ची की तरह बर्ताव करना बंद करो, बाहर तो ये सब मत करो। नहीं, मेरा ये इरादा नहीं था। इरादा नहीं था? तुमने हमारे पेरेंट्स का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया, अब सब तुम्हारे लिए है, सब तुम्हारे लिए। किसी, शांत हो जाओ। मिस्टर डॉनी, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। Come on, Donnie! 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 Come on,
एक्साइटमेंट क्यों है भला? ये कोई प्रो बास्केटबॉल भी नहीं है, ये बस बच्चों जैसा ही तो खेल है। किसी बस करो, तुम्हारा भाई टीम में है, हमें उसे सपोर्ट करना है। डॉनी डॉनी एक लूजर है। केसी मेरा ध्यान मत भटकाओ। लूजर केसी, ये तुम क्या कर रही हो? अपने भाई का परफॉर्मेंस बर्बाद क्यों कर रही हो तुम? पर क्यों? वो मुझे परेशान करता है। केसी बस भी करो तुम। अरे वो देखो, डॉनी शूट कर रहा है। स्कोर नहीं, स्कोर नहीं, स्कोर नहीं। केसी तुम चीजें बिगाड़ रही हो। टाइम आउट। तुम्हारी गलत बात है केसी, तुमने मेरा जानबूझकर ध्यान भटकाया। अगर कोई मुझे परेशान करता है तो बाप रे, तुम लोग ये सब कब छोड़ोगे? मेरे तो दिल में दर्द हो रहा है। धोनी, मुझे अफसोस है हमने तुम्हें अपनाया। मैं तुम्हें वही छोड़ना चाहती हूँ जहाँ से तुम आए हो। अफसोस कि तुमने मुझे गोद लिया, तुम बहुत बुरी बहन हो। क्या हो गया? दर्द हो रहा। पापा, सबसे जरूरी चीज स्पोर्ट्समैनशिप है। ये क्या हो रहा है? आज हम सभी यहाँ मिस्टर जैज की स्मृति में आए हैं। वो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे और एक शानदार पिता थे। मरो मत। ये तुम्हारी गलती है केसी। चुप करो तुम, अगर तुम नहीं होते तो परिवार में लड़ाई ही नहीं होती। मिस्टर जैज अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे और आखिरी सांस तक उनका भला ही चाहा। डॉनी का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? नहीं, तुमने मेरे पापा को चुरा लिया। केसी बस, ये अंतिम संस्कार है, यहाँ कुछ तो रिस्पेक्ट दिखाओ। ये सब तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। मेरे पापा को वापस लाओ। नहीं, तुमने मेरा खेल बिगाड़ा था उस दिन। केसी बस, तुम्हारी वजह से हुआ। निकलो यहाँ से, अपने पापा को बहुत दुख दे रही हो तुम। चली जाओ यहाँ से, जाओ। किटी देखो, शांत हो जाओ तुम। किटी प्लीज शांत हो जाओ, आराम से बैठो। हवा मारो इसे, हवा मारो। हाँ मामा, क्या आप रुक नहीं सकती हो? 3 घंटे से टॉयलेट साफ कर रही हो। अभी नहीं। 0.01 यहाँ पर अभी भी कीटाणु है। 7% पर नॉर्मल होता है, ये सही है। नहीं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लगता है पापा की मौत के बाद इन्हें OCD हो गया है। ये क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब सब कुछ परफेक्ट और एकदम साफ होना चाहिए। मुझे परफेक्ट होना होगा, एक परफेक्ट पत्नी, एक परफेक्ट माँ। अगर मैं पहले परफेक्ट होती तो जैक को नहीं खोती। माँ उठो माँ। हमने पापा को बर्बाद कर दिया, हम सब ने मिलकर। मैं इसमें कैसे शामिल हूँ? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं टॉयलेट साफ कर लूंगी। तो आप कह रही हो पापा की मौत के लिए हम जिम्मेदार है? देखो हमारे परिवार में क्या हो रहा है, मेरे परिवार में, वो भी तुम्हारे कारण। ये सब बकवास बंद करो, तुम पागल हो। काश मैंने अपने पेरेंट्स से तुम्हें गोद लेने का कभी नहीं कहा होता, कभी नहीं। कैसी बहुत हो गया अब। मैं सबको तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दूंगी। तो केसी, तुम्हारा छोटा भाई कैसा है? बिल्कुल लूजर, हम अभी भी लड़ रहे हैं। हालांकि वो बहुत प्यारा है, मैं उससे फ्लर्ट करूंगी। क्या प्यारा? मैं नहीं चाहती मेरी दोस्त उसके प्यार में पड़े। अगर तुम उसकी असलियत जानती होती तो ऐसा नहीं कहती। असली बात क्या है? वो डकार के साथ गाने गाता है। क्या तुम्हें नहीं पता? वो थोड़ा अजीब है। सच में मैं उसके साथ डेट के बारे में सोच रही थी। चलो चलो सुनते हैं। एक अच्छा दिन होगा शुरू साबुन के साथ। ये बहुत अजीब है, वो क्लास का जोकर है। क्या तुम बाथरूम से मेरी बातें सुन रहे थे क्या? नहीं नहीं लूजर, हम बस सुन रहे थे। क्या, तुम्हें कैसे पता ये सब? तुमने सब कुछ उगल दिया क्या? क्या सोचा था
मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने का वादा किया था, मजे लो। बावली कही की मैं बस तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं डकार मारने वाले को बिल्कुल भी डेट नहीं करती हूँ। कोई मेंढक राजकुमारी ढूंढो और उसे डकार मारो। और तुम्हारा क्या, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? अरे नहीं, उस डकार वाले से तो बिल्कुल भी नहीं। और मूर्खी डकार के साथ गाते हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। कैसी, तुमने मुझे लड़कियों के बीच में भी नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, मैं उसे बताऊंगा पंगा लेने का अंजाम। ठीक से खड़े हो ना तुम लोग, फोटो खिंचवा रही हो तुम लोग की। ये लड़के कहाँ रह गए? देखो आज कितना अच्छा लग रहा है। तो अच्छा मेरी जान, कैसे हो तुम? हाय दोस्त। ईवा का तो बहुत अच्छा दोस्त है, काश मैं भी उसकी अच्छी दोस्त होती। क्या आज सभी लड़के इतने अच्छे दिख रहे हैं? देखो डकार वाला आ गया। क्या तुमने कोई नया गाना सीख लिया है? चुप रहो तुम, कैसी और तुम नेट को कभी नहीं पटा पाएगी। शांत हो जाओ, वो सुन लेगा। हटो, मैं फोटो के सेंटर में। नहीं मैं। हटो, चलो अब जल्दी से सब सेटल हो जाओ, चलो उनकी फोटो लो। देखो ऊपर सलमान खान उड़ रहा है, देखो देखो यहाँ सेंटर है, तो तुम यहाँ पर आ जाओ। क्या स्माइल। क्या डिजास्टर है, किसने किया ये सब? धोनी तुमने किया? हाँ मैंने तो कहा था सलमान खान ऊपर उड़ रहा है, उसने हक दिया। नहीं तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत ही घिनौनी लग रही हो, अपनी मदद खुद करो। नेट मुझ पर हंस रहा है, सब धोनी की वजह से हुआ। उम्मीद है बड़े होकर वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना बंद कर देगा। आखिरकार लड़कियां आ ही गई। हाय। हाय लड़कियों। हाँ तुम्हारा घर अच्छा नहीं है। अच्छा पर क्यों नहीं? फैंसी टैग, ओ भालू के फर के गलीचे कहाँ पर है? ओ यू ईवा बंद करो, किसी का घर नॉर्मल है। ठीक है, तुमने हमारे लिए क्या खरीदा? पिज्जा। पिज्जा। ठीक है बेडरूम में चलते हैं, मैं पजामा पार्टी के लिए इंतजार नहीं कर सकती। हेलो ब्यूटीफुल लड़कियों, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना कमरा मत छोड़ना। और तुम क्या करने वाली हो छोटी बहन? मैं स्कूल में पॉपुलर बनने की कोशिश कर रही हूँ और तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। अब मैं क्या कहूँ, सब कहते हैं तुम बोरिंग हो। अगर तुमने आज मेरी पार्टी में दखल दिया तो तुम गए। क्या होगा अगर माँ को पता चल जाए कि तुम अपने दोस्तों को बेडरूम में लेकर आए हो जहाँ पर उन्होंने सफाई की थी? बाहर में जाओ बेवकूफ। अच्छा। केसी पार्टी शानदार है, हमें बार बार बुलाया करो। नहीं नहीं बार बार नहीं, अगर मैं ऐसे ही सस्ती चीजें खाती रही तो मैं जरूर मोटी हो जाऊंगी। वैसे ये सिर्फ नॉर्मल खाना है। सच में फास्ट फूड उन लोगों के लिए है जो महंगा खाना बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं। ओ, मेरे पापा हर रोज मेरे लिए ऑस्टर्स लाते हैं। ईवा किसी को शायद इससे बुरा लगेगा। अरे यार ऑस्टर्स को बुरा लगता है कि मैंने खा जाती हूँ। ठीक है चलो अब बहुत हो गया है, चलो एक गेम खेलें। जैसे नेवर हैव आई एवर। बढ़िया, रुको मैं कार्ड लेकर आती हूँ। जाओ। अगर ऐसा हुआ तो हम उंगली फोल्ड करेंगे, मैं शुरू करती हूँ। मैंने कभी भी एक टाइम पर दो लड़कों को डेट नहीं किया है। तो लड़कियों मतलब किया है। क्या? और ये कैसा था? ठीक है सिवाय इसके कि मैं कंफ्यूज रही कि वो दोनों ही जुड़वा है। अब मेरी बारी। मैंने कभी स्कीइंग नहीं की,
ऑफ कोर्स मैंने की है। ओह, एक बोरिंग क्वेश्चन, बिल्कुल तुम्हारी लाइफ की तरह। और तुम्हारे बारे में क्या केसी? मैंने कभी भी किसी को किस नहीं किया। क्या? क्या तुमने आज तक किसी को नहीं चूमा? हाँ, तो क्या? ओह माय गॉड, कितना बुरा है ये। कभी किसी को किस ही नहीं किया है। यहाँ पर क्या चल रहा है? हा? ये क्या गंदगी करके रखी है? बिस्तर पर पिज्जा। वो देखो, तुम्हारी माँ को क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। मार्को, रुक जाओ प्लीज, तुम मेरी पार्टी बर्बाद कर रही हो। और तुमने मेरी सफाई खराब कर दी है, गंदगी बचा दी है। मैं यहाँ कीटाणु नहीं होने दूंगी। अरे यार, इसकी माँ तो पागल है। अगर इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं घर से भाग जाऊंगी। सॉरी लड़कियों, ये सिर्फ मजाक कर रही थी, बस ऐसे ही। काफी अजीब है, एक तो कभी चूमा नहीं और माँ भी पागल है। कोई सरप्राइज नहीं कि तुम स्कूल में पॉपुलर नहीं हो। ईवा, बस करो। ओ, रुको, मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ टाइम दो। हाँ, आई होप कि वो यहाँ से भागेगी नहीं। क्या उसे ये पार्टी पसंद नहीं आई? हाय नेट, हाय। हाय, वैसे किसी घर में पार्टी कैसे चल रही है तुम? भयानक, मुझे यहाँ तुम्हारी तुरंत जरूरत है। वहाँ पर चल क्या रहा है? पता चला है कि केसी ने कभी किसी को नहीं चूमा। क्या? तुम चाहते हो मैं वहाँ पर आऊँ? की बात में ईवा, जल्दी यहाँ आओ। ठीक है, तुम केसी के घर आओ जल्दी। अरे, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ सरसराहट सुनाई दी। क्या तुम पागल हो? हमें तो हार्ट अटैक ही आ गया था। केसी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। डॉनी बिस्तर के नीचे छिपकर हमें डरा रहा था, केसी की गलती नहीं। ईवा, मेरा भाई बिल्कुल बेवकूफ है, ध्यान मत दो। हाँ, तुम भला रो क्यों रही हो? मैं मजाक कर रहा था। हे भगवान, तुम्हारी फैमिली सचमुच अजीब है। नहीं डॉनी, सच में पागल हो गया है। हाँ? तुम कौन हो? यहाँ पे कैसे? और तो और, हमें डरा भी दिया। टॉनी, इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगी। अब तो टॉयलेट साफ करोगे, चलो। नहीं नहीं। अजीब है। सच में अजीब। अच्छा है काफी कि हम नहीं गए। ओ, और सरप्राइज, जब तुम्हारी माँ डॉनी से काम करवा रही थी। तो मैं आ गया। क्या तुम खिड़की से चढ़ाए? सीरियसली नेट? मेरा क्रश मेरे घर पर, कुछ तो करना होगा। चलो स्पिन द बॉटल खेलें। और नेट शुरू करेगा। फिंगर क्रॉस। केसी, तुमने कुछ गिरा दिया। कहाँ? हाँ, कहीं नहीं, मजाक था। केसी, ये नहीं हो सकता। केसी, जरा इधर तो आओ। नहीं, डॉनी सच में पागल हो गया है। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए हो? अंदर कैसे आए तुम? कौन हो तुम? बताओ मुझे। मां, रुको, ये मेरा गेस्ट है। ऐसा गेस्ट जो अपने कीटाणु भरे होंठ तुम पर लगा रहे हैं? नहीं, अभी निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, बाहर जाओ, जाओ। केसी, तुम पागल हो? नेट, रुको, प्लीज मत जाओ। तुम बहुत बुरी हो, इसलिए स्कूल में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। केसी, उनकी मत सुनो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और तुम मेरी हो। सब डोनी की गलती है, अगर उसने डराया नहीं होता तो मेरी माया नहीं आती। ये बिना पार्टनर के केवल हम ही हैं। चिंता की कोई बात नहीं, किसी के साथ रहने से तो अच्छा है बिना पार्टनर के। मम्मा, ग्लव्स उतारो। अरे नहीं, रूम में है। भूली गई थी। पता नहीं तुम्हारा छोटा भाई कहाँ पर है, मैं तो उसे देखने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं भी। डॉनी बहुत प्यारा है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? वो प्यारा नहीं, बहुत ज्यादा बुरा है। केसी, डॉनी के बारे में ऐसा बोलना बंद करो। उम्मीद है वो लूजर की तरह तैयार होकर आएगा और बिल्कुल अकेला होगा। क्या वो ईवा के साथ है?
ईवा ने आखिरकार ऐसे लूजर को कैसे चुना? उस अमीर लड़की ने मेरे बेटे को फंसाने की हिम्मत कैसे की? इसका क्या मतलब? क्या आप तुम दोनों कपल हो? हमसे जलो मत। तुम्हारा भाई उतना बुरा नहीं है जितना तुम उसे हमेशा बताती थी। प्यारा है। हाँ तो अब मैं आज की इस पार्टी के किंग और क्वीन का अनाउंसमेंट करूंगी। और वो है, पता नहीं वो कौन है। और वो है, और वो है, और वो है, टोनी और ईवा। अब मेरा बेटा उस लड़की ईवा जैसा हो जाएगा। मुझे उस लड़की से नफरत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं कभी किंग नहीं बन पाता। और मेरी बहन लूजर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हद है, बहुत हो गया। ईवा, हमें कुछ बात करनी है तुमसे। आपको क्या चाहिए? क्या तुम्हारी ड्रेस जानबूझकर भयानक है? क्या खुद को आईने में देखा है? आपकी ड्रेस हवा से भी सस्ती है। मेरा मतलब है, अगर तुम डॉनी के साथ खिलवाड़ करके मुझे परेशान कर रही हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या बकवास है, मैं इसे पसंद करती हूँ। हाँ, मेरी बेटी ने सही कहा, डॉनी को अकेला छोड़ दो, उसे तुम जैसी बिगड़ैल लड़की को डेट नहीं करना चाहिए। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं डॉनी के साथ रहना चाहती हूँ, हम प्यार करते हैं। मुझे यकीन नहीं है, तुम बस मेरा मजाक उड़ा रही हो। लेकिन तुम्हें पता है, तुम उसके लिए बस महंगा खिलौना हो, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। हाँ, तुम तो सिर्फ दिखावे के लिए हो। तुम पागल हो, तुम्हारी पूरी फैमिली पागल है, मेरे पास मत आना। भाई मुझे देखना पसंद है। रुको ईवा, कहाँ जा रही हो तुम? हे ईवा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी फैमिली ने सब किया है, वो हमें अलग होने का दबाव बना रहे हैं। क्या? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं एक अमीर बिगड़ैल बच्ची हूँ और मुझे उन्होंने तुम्हारा खिलौना कहा। ये सब झूठ है, ये सब कैसी ने किया ताकि मेरी खुशी बर्बाद करे। और तुम्हारी माँ? जब से पापा गए तब से माँ अपना होश खो बैठी है, उनकी गलती नहीं है। तो फिर अब प्लान क्या है, हम ये सब कैसे ठीक करेंगे? केसी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो फिर हम दोनों उससे निपट लेंगे, उसे उसकी औकात दिखानी पड़ेगी, सेंटर में करूँगा। हमें उसके पूरे स्कूल के सामने नीचे दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक आइडिया है। उसने सोचा कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उसने मुझे एक जूसी वॉइस मेल दिया। यही ना बात जाने मन, तुम जीनियस हो, अब मैं उससे बदला लूंगा। अब चलो चलते हैं। अरे उसने हरकत ही ऐसी की थी, मैंने घुमा कर मारा, उसके होश ठिकाने आ गए थे पूरे। देखना अगली बार लगेगा नहीं तुमसे। फिर से दिखावा करने वाला है। सब लोग सुनो, प्रॉम किंग होने के नाते से मैं आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिसे सुनकर आपको पसंद आएगा, तो तैयार हो जाओ। ईवा, तुमसे नेट के बारे में पूछना था, पता है मेरे पास अभी भी उसके लिए कुछ तो है। डॉनी, तुम घटिया हो। हमने पार्टी में कभी किस नहीं किया और मैं उस पर फिदा हो गई और झेल नहीं पाई। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो किसी? नेट, मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारी आंखों से गिर गई हूँ। मेरी बात सुनो, तुमने उस मैसेज का गलत मतलब निकाल लिया। ये शर्मनाक है, मुझे पता है। नहीं, मेरा मतलब मैं कहना चाहता था, मैं भी वैसा ही फील करता हूँ। क्या? अरे नहीं, लेकिन मुझे अभी भी इससे आगे रहना होगा। मैं ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, उम्मीद है वो गोल्डन लेटर आ गया होगा। तो चलो, बधाई हो, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। यस, मैं जीत गया कैसी। ईवा, वो कहाँ है, वो कहाँ है?
शायद वो मेरा इंतजार कर रही है। हे ईवा, क्या? और मेरी बहन का क्या? मैंने छोड़ूंगा नहीं। ये बेवकूफ नेट ईवा को भी नहीं छोड़ा। भाड़ में जाए बेवकूफ। क्या हम सभी येल में पहुंच गए? लगता तो है। कैंपस में स्वागत है। डॉनी, सूटकेस में मदद करो। हाँ बिल्कुल। क्या वो टीना के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है? उसके पास ईवा है। नेट कैसा चल रहा है? बस वही हड्डी वही खा ले और क्या। समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। ये सब बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। तो टीना, सामान खोलने का टाइम आ गया। क्या तुम सब पागल हो? मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। टीना, तुम मेरी दोस्त हो और मेरे भाई के साथ प्यार में कैसे पड़ सकती हो? सॉरी, मैं तुम्हें बाद में बताने वाली थी। और तुम्हें ईवा को धोखा देने में शर्म नहीं आती? माना ईवा परफेक्ट नहीं है, लेकिन धोखा बुरा है। ये सब इतना आसान नहीं है। मेरे पास बड़ा रीजन है इसके लिए। वाकई? वो क्या है? आज शाम 4 बजे कैफे में आओ, फिर तुम सब कुछ देख लेना। ठीक है, उम्मीद है ये कोई मजाक नहीं है। अब और किस लिस्ट नहीं समझे? मैं नजर रखूंगी। भगवान, ईवा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये क्यों कर रही हो? क्या ये तुम्हारा नहीं है? हम हमेशा से दोस्त हैं। नेट, तुम कितने धोखेबाज हो। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता तुमने अब तक मुझसे झूठ बोला। कैसी बात? सुनो मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम सबसे नफरत है, तुम सब झूठे हो। कैसे तुमने देखा? तुम कैफे गई थी क्या? हाँ, वो उसके साथ मुझे धोखा दे रहा है और तुमने मुझसे वहाँ जाने को कहा। मैं बस चीजें क्लियर करना चाहता था ताकि तुम्हें पता चले कि नेट की असलियत क्या है। क्या मैं बर्बाद हो गई? कैसे, तुम गलत समय पे गलत जगह आ गई थी। गड़बड़ हो गई? तुमने ईवा को चूमा और तुम दोनों कब से साथ हो? नहीं, वो तो मजे के लिए कर रहे थे। मेरी नजर 1 साल से, तू झूठ मत बोल। क्या कहा? तभी तू बोल क्या रहा है? साले, मेरी बहन से दूर हो जा, वो तुझसे अच्छा डिजर्व करती है। तेरे जैसे हूतिया को पता नहीं क्यों मुंह लगा लिया मेरी बहन ने। क्या? अबे तू यहीं पर अपने बेवकूफ बहनों उस गधी लड़की के साथ में, वैसे तुम्हारे साथ रहेगा भी कौन? मुझे तो पहले चले जाना चाहिए था। दफा हो जा तू और मेरे परिवार से दूर रहना तू। डोनी के, तुमने मेरा साथ दिया? जाहिर है, तुम मेरी बहन हो तो मेरा हक बनता है। हम हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। वो कौन कहता है कि हमें एक दूसरे की परवाह नहीं? सही, तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ होने के लिए सॉरी। अगर दोनों डेट करो तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, तुम लोग पति पत्नी हो, चलो चुम्मी ले लो। लव यू दोस्तों, तुम कमाल हो, क्रेजी घर के क्रेजी कपल। तुम गुस्सा नहीं हो कि तुम्हारी बेस्टी तुम्हारे भाई के प्यार में पड़ गई? मैंने बहुत पहले ही मन बदल लिया है। तुम लोग धमाल हो। शुक्रिया मेरी बहन। कैसी, काश हमारी माँ भी यहाँ पर होती तुम्हारे साथ के लिए। हाँ, मम्मा की याद आती है, काश वो तुम दोनों की शादी करते देख पाती। हम संभाल लेंगे। बड़े स्टाइल से लेट हुआ, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? तू लेट है, अब निकल जा यहाँ से। क्या बात है? कैसे, मुझे माफ कर दो जो मैंने बहुत पहले तुम्हारे साथ किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सपनों में भी तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद हर जगह सताती है यार। उठो और बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। अरे कैसे, एक बार सोचो तो, हम दोनों की जोड़ी कमाल की है। तुम्हें लगता क्या हमें खुशी परिवार बन सकते हैं? नहीं, ये मेरा परिवार है और कोई इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। दफा हो जा। भाई सुनो, मुझे बहुत समझ आया है, हमारी लड़ाई एक बहुत 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 बड़ी गलती थी। काश मैं पीछे लौट कर तुम्हारे साथ झगड़ा ना करती। ठीक है, निराश मत हो। नहीं, सच में अगर हम नहीं लड़ते तो अभी माँ और पापा जिंदा होते। मैं उनके लिए दोषी महसूस करती हूँ। बहन, तुम देखो, तुमने मुझे परिवार दिया और देखो हम दोनों साथ हैं।
कैसी? सब कुछ ठीक है ना? हे, क्या बात है? मम्मा, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा भाई बने। मैं? क्या सच में? क्या? तुम्हारा का दिमाग खराब हो गया? तुम्हारा मतलब क्या है वैसे? मुझे तुम्हारा भाई बनकर अच्छा लगेगा, वैसे भी मैं अनाथ हूँ। परिवार में तुम्हारा स्वागत है मेरे छोटे भाई। गाइस, तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था ना, दिलचस्प था, मुझे काफी अच्छा लगा। इनसेन, हाँ बिल्कुल इनसेन। तो देखने के बाद हमने सोचा कि चलो वापस चलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। लगता है एक मिनट हो गया। सच में आप सबके कमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, हमें सबको पढ़ने में बहुत मजा आया। सबका दिल से धन्यवाद। इसीलिए तो हम आपके लिए ये सच में, हमें आपसे बहुत प्यार है, आप हमारे दिल को छूते हो, इतना प्यार है कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो चलो कमेंट सेक्शन को और जानदार बना और कुछ रिकॉर्ड्स को तोड़ दे। वैसे हमारा कमेंट रिकॉर्ड क्या है, कोई जानता है? हाँ, 13। तो मैं 14 कमेंट्स का एक बनाता हूँ। सोचो अगर हर कोई 50 कमेंट लिखे तो कैसा लगेगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर मानो 20 लाख लोगों ने लिखा, हर एक 50 कमेंट, हर एक के 50 कमेंट गिनो कितने। मैं अपने पेरेंट्स परिवार के लिए शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा प्यार दिया और मैं क्रेजी घर से भी प्यार करती हूँ। हैप्पी थैंक्स। आप सभी से हम प्यार करते हैं, सभी से थैंक्सगिविंग तो आकर, हाँ थैंक्सगिविंग तो आकर चली भी गई, लेकिन हमारी तरफ से आप सभी को थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं। आपका परिवार आपको प्यार करता है, आपको सपोर्ट करता है, ये बहुत अच्छी बात है। यकीन नहीं होता कितने प्यारे लोग हैं, गर्म जोशी वाले है ना, बहुत अच्छे हैं। अबे जिंदा दिल जैसे। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं। मुझे इवा के कपड़े पसंद है, वो मुझे बड़े भाई की याद दिलाते हैं जिसने परिवार छोड़ दिया क्योंकि उसने शादी कर ली। हालांकि इस कहानी में और भी बहुत कुछ है, तो मुझे उसकी याद आती है और वो इमो था, लेकिन वो इमो से आगे बढ़ गया। लव यू क्रेजी घर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स पढ़कर हमें अंदाजा होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी जिंदगी से हमारा एक जुड़ने का एक पहलू बनता है, तो हमारी तरफ से बड़ा सा हग। ठीक है, तो चलो अगला कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो बड़ा किसका? मुझे पता है ये बहुत लंबा है और आप मेरा ये कमेंट कभी नहीं पढ़ोगे। देखो हमने ये कमेंट पढ़ा है, आगे लिखा है, लेकिन उम्मीद है कि आप ये करोगे क्योंकि मेरे पास एक कहानी के अंदर कहानी है। ये एक सपने की कहानी है, वो कहानी जो बिल्कुल रैंडम थी, जो कि मेरे पापा कभी भी घर पर नहीं रहते थे, जैसे वो अभी भी घर पर नहीं है। रात के 11 बज रहे हैं और वो अभी भी यहाँ नहीं है, वो हमेशा बाहर या कहीं दूसरे देश में रहते हैं, वो कभी घर पर नहीं रहते हैं। और मुझे बहुत जलन होती है जब दूसरे बच्चे बताते हैं कि उनके पापा ने उन्हें क्या दिया है। वैसे मैं बिना पापा के हूँ, हालांकि मेरे पापा है लेकिन वो कभी घर पर नहीं रहते हैं, और मैं, मेरी ये बहुत सैड स्टोरी है यार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए इसको सुनकर। और हमने तो कोई सैड चीज देखी नहीं है, सोने से पहले तो देखना चाहिए ना। क्रिस्टी क्या हुआ? हम सब सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम जानते हो तुम अकेले नहीं हो, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीजों से गुजरते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो बिल्कुल तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। बिल्कुल। और शायद वो ये चाहते होंगे कि तुम्हारा जीवन और बचपन हमेशा खुशहाल रहे, तो वो चीजों को और बेहतर बनाने में लगे होंगे, उसी की कोशिश में होंगे वो, लेकिन तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। और साथ ही ये भी तो सोचो, तुम्हारे पास बड़ा होने, पैसा कमाने और अपने पापा की हेल्प करके पापा को साथ रखने का मौका भी तो है। तुम मिलो तो शायद मिल जाए तो। मैं अब इसे किसी और को पढ़ने दो, अब मैं और नहीं पढ़ पाऊंगी, मैंने अच्छा, सब पढ़ दिया, अब मैं रोने लग जाऊंगी। रोने की जरूरत नहीं है क्रिस्टी। चलो अब मैं अपने सपने के बारे में बताता हूँ। मैं एक बार अपनी मॉम के साथ घूमने जा रहा था और एक ठग हमारा सामान छीनने की कोशिश कर रहा था। अबे अगली बार क्या ना, इतनी मार दूंगा तेरे में। हमारा सामान छीनने की कोशिश। अच्छा तो दोस्तों मैं अपने सपने के बारे में बता रहा था, मैं अपनी माँ के साथ में घूमने जा रहा था, तभी एक
डाकू बीच में आ जाता है जो कि हमसे सामान छीनने की कोशिश भी करता है, लेकिन हम हार नहीं मानते हैं, हम उसका जम के सामना करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक ब्लैक होल खुल जाता है, मैं उस बंदे को धक्का दे देता हूँ और वो ब्लैक होल में जा गिरता है और उसके बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह सपना कहीं ना कहीं मुझे क्रेजी घर की वीडियो देखने के बाद आया था और उसका इसी से लेना देना हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है किटी? अरे भगवान यार बंद करो बस। ज्यादा डर लग रहा है, अब मैं क्या बताऊं उसके बारे में। मैं आपके हर एक वीडियो देखता हूं, मुझे लगभग सब कुछ याद रहता है कि आप लोग क्या बोलते हैं। बहुत प्यारा है। अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे उठा दिया। वो शुरू में तो मेरे साथ सपने में थी लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई। मैं सोच रहा था कि वो आखिर कहाँ पर गई, और पता चला कि वो शायद मुझे उठाने के लिए मेरी असली दुनिया में आ चुकी है। और उसके बाद मैं स्कूल जाने के बजाय क्रेजी कर देखने लगा और मेरी मॉम को गुस्सा आ गया और वो डंडा लेकर आई और दे मारा मुझ पे। दर्द तो बहुत हुआ लेकिन क्रेजी घर में बजा ज्यादा आता तो चल जाएगा। ठीक है, मुझे आप लोगों की वीडियो इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं उसे मरते दम तक भी देखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अजीब बात, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और आप लोग तो शायद मरने की जरूरत नहीं है बेटे, हम अच्छे समझ गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। हालांकि मैं मानता हूँ कि तुमने जो बोला वो कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन फिर भी चलता है, इस तरह के कंटेंट ही तो हमें चाहिए जो कि हमारी इमेजिनेशन तरोताजा रखे। ठीक है दोस्त। बिल्कुल, और सभी स्टोरीज को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है कि आप हम पर भरोसा करते हैं, अपने बारे में ये दिल छू लेने वाली बातें आपने शेयर की हमसे, और सच में आप लकी इंसान हो क्योंकि आपकी माँ भले ही आपके रॉकिंग टॉम बॉय गियर के बारे में खुश नहीं हो, फिर भी तुम्हें कोठरी में बंद करने के बजाय कहती है कि तुम तब तक बाहर नहीं आओगे जब तक तुम ड्रेस नहीं पहनते। अच्छा है आपको इतना शानदार परिवार मिला है जहाँ पर हर कोई आपको सपोर्ट करता है, उन्हें थोड़ा प्यार दिखाओ। ठीक है तो दोस्तों, सब भूले गए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे सारंगी की तरह फिट। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बाद में मिलते हैं। देखो कितनी उतावली हो रही है, यहीं से भाई उठा ले जाएगी। ओए पैसे कौन देगा, इतना काफी है। अब मुंह में देकर रख दे यहाँ पे। बहुत डटे रहो डॉनी, अब मैं हमेशा तुमसे बदला लूंगी। नहीं तो मैच में मेरी टांग खींच रही थी। टांग कब खींची? देखो हमें कुछ मिल गया, हमारा प्यार जिंदा रहे। नेट जल्दी आ। फिर से आ।